हाय आई एम आकांक्षा अवस्थी और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी बातें। भोजपुरी बातें के दर्शकों के लिए मेरा ढेर सारा सा प्यार उनके लिए। जी बिमल जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे न्यूज चैनल्स में। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। अच्छा, हम बात कर रहे हैं अक्षरा सिंह और जो पवन सिंह के मामले में, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरी प्रतिक्रिया आप सुनेंगे तो आपको शायद लोगों को बहुत अजीब सा लगेगा कि जो FIR भी किए अक्षरा ने, मुझे लगा कि बहुत बचकानी है कि मुझे वहाँ से कटार रहे हैं, मेरे काम पे रोक है। या एक लड़की जिसका शोषण हुआ हो, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक, शादी के दिन जिस दिन पवन सिंह जी शादी कर रहे थे उस दिन अक्षरा को आपने कमरे में बंद करके रखा, शिकायत तो ये होनी चाहिए थी मेरा शोषण हुआ है। और एक औरत के ऊपर आप इतना अत्याचार करें और आप स्कॉट फ्री घूम रहे हैं जैसे आपको किसी, आपने कुछ किया ही नहीं है। और एक बहुत पुरानी बात मुझे याद आ रही है सौरभ जी, एक फिल्म में एक डायलॉग था कि जब भी किसी जवान बेटे पे के मुंह पे माँ थप्पड़ मारती है तो यकीनन बेटे ने कोई बहुत बड़ा पाप किया होगा। जी। वैसे ही अगर किसी इंसान की बीवी शादी के चंद महीनों में सुसाइड कर ले, इसका मतलब है कि जो दोष है वो सिर्फ हस्बैंड में है और किसी और में नहीं है। जी। जो उनने पहली वाइफ ने चंद महीनों की शादी के अंदर हैंग कर लिया अपने आप को। और मैं हैरान हूँ कि आदमी पे उसका 1% असर नहीं और कोई लीगल कार्रवाई नहीं, तो उससे हौसला बढ़ा। और अक्षरा के साथ क्या किया कि आप स्टेज पे खड़े होके मांग भर देंगे, आप दुनिया में बोलेंगे कि ये मेरी बीवी है, आप उसे लेटर लिखवाएंगे कि साहब आपका, आपकी मेरी प्रॉपर्टी पे आपका कोई हक नहीं है, इसका मतलब है कि आपकी इंटेंशंस जो है, नियत जो है वो शुरू से मेलाइंड है। जी। तो इतना सब करने के बाद अक्षरा अगर मालवानी पुलिस स्टेशन में जाके ये बोले कि जी मेरे को काम नहीं, मेरे को ये नहीं, मेरे खिलाफ ये बोल रहे हैं, मेरी नंगी फोटो जो फैब्रिकेटेड है वो डाल रहे हैं, ये कोई शिकायत नहीं है, मैं तो इसको बचकानी हरकत मान लूँगा। अरे, औरत का शोषण हुआ है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, प्रोफेशनल हो, आप कंप्लेन वो करो। इसका मुझे न्याय चाहिए कि शादी का आप किसी को प्रॉमिस करते हो और आप भाग जाएंगे, आप भाग जाएंगे और कानून आपका कुछ करेगा भी नहीं, कोई डर नहीं है आपको कानून का। और जिसका पास्ट ऐसा रहा हो, एक औरत गई, दूसरी गई, तीसरी गई, और शराब पीने की बात मैंने जो अक्षरा बोलती है कि मैंने सुना उसके एक इंटरव्यू में कि वो जी उसका ध्यान रखती थी और केयर करती थी कि इसका नाम खराब ना हो। मैंने भी एक फिल्म बनाई थी पवन सिंह के साथ, देश परदेश। वो एक्टर अच्छा है, सिंगर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, इंसान अच्छा नहीं है। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका पवन जी के साथ काम करने का? मैं वही बोल रहा हूँ कि उसने बाकी सुना है प्रोड्यूसर्स को बहुत तंग किया, मुझे तंग इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरी फिल्म में उसका बाप काम कर रहा था जिसका नाम है धर्मेंद्र। और धर्मेंद्र के सामने पवन सिंह की औकात नहीं है कि लेट आए या नखरे दिखाए वहां पे। और जो अक्षरा ने एयरपोर्ट्स का जो जिक्र किया है कि हाथ जोड़ती थी सिक्योरिटी वालों से और इनसे उनसे, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। हैदराबाद जा रहे थे हम लोग देश परदेश के आउटडोर की शूटिंग के लिए, मोनालिसा भी थी वहां पे, और जिस तरीके से इसने शराब पी के मिसबिहेव किया, बॉम्बे जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज थी उन्होंने इसको बोर्ड करने से मना कर दिया। आप यकीन करेंगे कि लिटरली अक्षरा जो बोल रही है बिल्कुल सही है, मुझे सिक्योरिटी वालों के सामने जाके हाथ जोड़ने पड़े कि प्लीज़ इसको बोर्ड करने दीजिए क्योंकि इसका कुछ नहीं जाएगा, नुकसान मेरा होगा, मेरी शूटिंग नहीं होगी।
ये मेरा एक्सपीरियंस था पवन सिंह के साथ। इंडस्ट्री में लॉबी होने की बात अक्षरा सिंह ने कही है, इस बात से कितना आप सहमत हैं? मैं कहता हूँ जी 100 लॉबी खड़ी हो जाएं, 100 लोग खड़े हो जाएं आपके खिलाफ, आप एक हुजूम बना लीजिए, भले 135 करोड़ लोगों का जो पूरी देश की आबादी है, लेकिन एक औरत जब खड़ी होती है ना कोर्ट के अंदर तो सब के सब जीरो हो जाते हैं, क्योंकि लॉ जो है वो टोटली अक्षरा के साथ है, बाकी लोग जितना शोरगुल करना है करें, वो उसे कोई फर्क नहीं पड़ना। और एक बात मैं लास्ट बोलूंगा अक्षरा से कि अक्षरा तो अक्षरा सिंह तुम कंगना रनावत तो बनी हो, लेकिन एक चीज़ बोलूं, कंगना रनावत के साथ ये सब चीज़ें हुई होती तो उसने पहले दिन आवाज़ उठाई होती, जबकि तुमने महीनों सालों सहा है और तब आवाज़ उठाई है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।